एक और होता है। जय माता दी दोस्तों, आज मैं कलकत्ता के काली घाट पे उपस्थित हूँ। यहाँ माँ के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। मैं आज माँ से प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो भी मित्र हैं, जहाँ भी हैं, सब लोग कुशल मंगल रहें, खुश रहें। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा। ये देखिए, ये रहा काली मंदिर, माँ का मंदिर। यहाँ तमाम सारे श्रद्धालु उपस्थित हैं। सभी लोग माँ के दर्शन के लिए दूर दराज से आज उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर आकर के। कुछ देर में मैं माँ का दर्शन करूँगा और माँ से बहुत कुछ मांगना है, प्रार्थना भी करना है। आज उपस्थित हैं हमारे तमाम सारे मित्र। आइए मैं एक एक करके सबसे मिलाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ नन्हे पांडे जी से, एक सफल कथाकार, कथापट कथा संवाद लिखते हैं। तमाम सारी फिल्में इनकी मार्केट में आई हुई हैं। आशिक आवारा लिखे थे दिनेश लाल जी के लिए, राम लखन लिखे थे, खेसारी जी के लिए लाडला लिखे थे, पवन सिंह जी के लिए चैलेंज लिखे थे, बरसात लिखे थे राकेश मिश्रा जी के लिए। आज उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप भी नन्हे पांडे जी, जो मेरे परम मित्र हैं, नन्हे पांडे जी क्या कहेंगे भोजपुरिया श्रोताओं के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने गार्जियंस के लिए। नमस्कार, जय माता दी। मैं यही चाहूँगा कि माता जी का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर भरपूर बना रहे और आप लोग भी खूब फले फूले। और हम तो बहुत मेहनत करके फिल्म लिखते हैं, बनाते हैं, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हमारी फिल्मों को, हमारे हीरो लोगों को, हमारे एक्ट्रेस को, एक्टर्स को, या जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, जो भी टेक्नीशियन लोग हैं, सबको अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहिए। अगर आप अपनी फिल्में, हमारी फिल्में देखेंगे और हिट होंगी, तो हम नित्य दिन नई नई फिल्में बनाने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। प्रणाम, जय माता दी। अब मैं मिलाता हूँ यहाँ कलकत्ता के रहने वाले, जो छपरा के सरजमी से हैं, मसरक से हैं, हमारे परम मित्र कोयल म्यूजिक के मालिक संजीव जी। आइए, हम चाहेंगे कि दो शब्द अपने भोजपुरिया श्रोताओं के लिए। संजीव जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उजाला जी तो काफ़ी स्मार्ट लग ही रहे हैं और माँ के आशीर्वाद लेने हम लोग अंदर जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी, आप लोग के लिए भी कुछ माँ से हम लोग मांगें और ऐसे ही हमारे उजाला जी पे आप लोग भी आशीर्वाद बनाए रखें। जय हो भोजपुरिया समाज, जय माता दी, जय माता दी। आइए मिलते हैं, भाजपा के एक सफल नेता हैं यहाँ कलकत्ता के, हमारे परम मित्र हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है। मैं चाहूँगा कि आप दो शब्द अपने भोजपुरिया श्रोताओं के लिए। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा सबके लिए। शशांक जी हमारे साथ उपस्थित हैं। शशांक जी मेरे मित्र हैं, कलकत्ता जब भी आते हैं हम लोग की मुलाकात होती है। क्या कहेंगे शशांक जी? नमः शिवाय, जय माता दी। और मेरे मित्र, मेरे भाई अमित तिवारी जी उपस्थित हैं। अमित बाबा क्या कहेंगे? जय माता दी, जय माता दी। हम लोग अब चल रहे हैं दर्शन के लिए। देखिए तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं माँ के दरबार में और दर्शन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोग के लिए भी बहुत कुछ मांगूंगा, क्योंकि आप लोग जब सही रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे। ये देखिए हम लोग गली से होते हुए माँ के दरबार में जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आकर के कि माँ का दर्शन पहली बार कलकत्ता के इस धरती पर काली मैया का दर्शन काली घाट में करेंगे। ये देखिए तमाम सारी दुकानें लगी हुई हैं और चुनरी, मिष्ठान, माँ के लिए प्रसाद, नारियल, बहुत कुछ यहाँ पर है। और हम लोग अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं मित्रों के साथ और हम अब दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।